राजमाता माधवी राजे सिंधिया का ग्वालियर में 16 मई को अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि राजमाता के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजमाता के अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रानी महल में रखा गया, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पक्ष विपक्ष के बड़े चेहरे और ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा दूर सुदूर देश भर के राज्यों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लोग पहुंचे। उनके व्यक्तित्व को सदैव दयालुता के लिए, सहजता के लिए, सरलता के लिए, आत्मीयता के लिए इस ग्वालियर चंबल संभाग में जाना जाता था। और जैसे एक संरक्षक की भूमिका परिवार में रहती है, उन्होंने भी सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया है। आज पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में शोक की लहर है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना है।